किसी भी हालत में टिकना है। बिल्कुल टिकना नहीं, जीतना है। मेरा सपना ये है कि मेरी ताकत कैसी बढ़ेगी इस पर ज्यादा ध्यान देना। हमारी पार्टी का अलग अस्तित्व रखकर हम हमारी पार्टी मजबूत करने के लिए प्रयास करें। जो कोई जिम्मेदारी मैं लेता हूँ वो ठीक तरह से करना, इसमें कामयाबी लाना, ये मेरा सपना होगा। पवार की पावर पॉलिटिक्स का ये क्लाइमैक्स है। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इस वर्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन। क्रिकेट के शौकीन शरद पवार सियासी मैच के सबसे शानदार फिनिशर हैं। पिछले 50 साल का इतिहास है कि पवार ने पावर प्ले में हमेशा शानदार पारी खेली है। भाई मेरी क्रिकेट धारणा ये है कि इस समय महाराष्ट्र के लोगों को परिवर्तन की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर लोग एक हो गए, परिवर्तन और ये परिवर्तन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पिछले 5 दशक से महाराष्ट्र की सियासत पवार के ही इर्द गिर्द घूम रही है। कभी वो किंग मेकर बने तो कभी खुद किंग। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून। ये करिश्मा पवार ही कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हों और राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे, सोनिया का विरोध करें और सोनिया उनसे सलाह लें, वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे नेता दोस्त हों लेकिन हमेशा विरोध में खड़े रहें। फडणवीस की सरकार गिरवा दें लेकिन मोदी के प्रिय रहें। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी, हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मतलब वेल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। जब उद्धव ठाकरे पवार शरणम गच्छामि हुए तो पवार ने छोटे पवार ने जब बगावत की तो बड़े पवार ने चक्रव्यूह रचकर अजीत पवार के साथ ही देवेंद्र फडणवीस को भी ढेर कर दिया।
त्याही वेळेस सांगितलं मी राष्ट्रवादीतच होतो, राष्ट्रवादीतच